मेरे को एक्स की कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, एक्स यानी कि एंड मैं आर्गुमेंट की बात कर रहा हूँ, तो एक्स के कुछ वैल्यू दिए हुए हैं 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, और इस पे मेरे फंक्शन का वैल्यू, क्योंकि y equal to ex, e raised to power x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि x पे डिपेंड कर रहा है, इसके वैल्यू दिए हुए हैं x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो x की वैल्यू 1.7 होती है तो मेरे फंक्शन का वैल्यू 1.474 होता है, एंड जब x की वैल्यू 1.8 होती है तो मेरे फंक्शन का वैल्यू होता है 6.050, एंड सो ऑन। ये सारे वैल्यूज आपको दिए होंगे, हमेशा एग्जाम में आपको जो टेबल दिया होगा वो सिर्फ इतना दिया होगा, है ना, फंक्शन और आर्गुमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में। कई बार वो टेबल नहीं भी देता है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको डेटा को टेबलेट कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की बात करनी है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या करता है, नेक्स्ट एंट्री से बैक एंट्री को, यानी कि इसकी प्रीवियस एंट्री को हम लोग माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास में आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहां से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, एंड यहां से इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो वापस से हम लोग इसको फिर से फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे बीच वाली एंट्री से पहली वाली एंट्री को, तो ये आंसर आएगा, एंड थर्ड वाली एंट्री से बीच वाली एंट्री को माइनस करेंगे तो ये आंसर होगा, एंड यहां वाली एंट्री से जब इस एंट्री को, सेकंड एंट्री से फर्स्ट एंट्री को माइनस करेंगे तो ये आंसर होगा। जब हम इसको थर्ड टाइम ड्राइव करेंगे तो आगे जा नहीं पाएंगे, उसका रीजन है कि हमारे पास कुछ माइनस करने के लिए बचा नहीं है। चलिए, अब लोग बात कर रहे थे कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की 1.75 पे, यानी कि एक मिड वैल्यू ले रहे हैं हम दो वैल्यूज के बीच में, ठीक है। तो अब वो दो वैल्यूज क्या है, 1.7 एंड 1.8, 1.7 और 1.8 के बीच में ही आता होगा कहीं 1.75, ठीक है। पॉइंट को लोकेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो पॉइंट को ध्यान से समझना है कि हम लोग को किन दो पॉइंट्स के बीच की बात करनी है, 1.75 दैट मींस कि 1.7 और 1.8 के बीच की बात कर रहे हैं। अब जब हमें ये पता लग गया एक बार कि हम लोग 1.7 और 1.8 के बीच में है, तो फर्स्ट पॉइंट हमेशा ए होता है एंड सेकेंड पॉइंट इज ऑलवेज इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, एच की अगर मैं बात करूं, एक फाइनाइट डिफरेंस होता है तो दिस माइनस दिस, यानी कि 1.8 माइनस 1.7, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, 0.1। तो आपके पास एच की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, और ए की वैल्यू भी आ गई। अब आप क्या करते हो, आपको पता है कि ए प्लस पी एच इक्वल्स टू 1.75। जिस पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन का वैल्यू चाहिए, वो किसके बराबर रखेंगे आप, ए प्लस पी एच के बराबर। तो अभी a प्लस पी एच में a की वैल्यू मुझे पता है, p की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, और h की वैल्यू मैंने अभी अभी कैलकुलेट की है, तो मुझे क्या मिलेगा यहां से, ठीक है। तो इसके बाद में मैं क्या करने वाला हूं कि p इसको माइनस करने वाला हूं इससे, तो 1.75 माइनस 1.7 ये हो जाएगा मेरे पास 0.05। 0.05 को मैं डिवाइड करूंगा 0.1 से, ठीक है ना, 0.1 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी 0.5। अब p की वैल्यू भी हम लोग को मिल गई। अब बात करेंगे सीधे सीधे न्यूटन के फॉर्मूले में इस वैल्यूज को हम लोग को प्लेस करना है कैसे। हम लोग को पता है कि न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस पी एच के लिए, f ऑफ a प्लस पी एच के लिए हम लोग उसको एक्सपेंड करते हैं, f ऑफ a प्लस p डेल f ऑफ a प्लस p p माइनस 1 डेल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ ऑफ ए प्लस। हम लोग को कहां तक जाना है इस फॉर्मूले में, हम लोग को फॉर्मूले में जाना है डेल क्यूब तक, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं इसकी, पी पी माइनस 1 पी माइनस 2 एंड डेल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ऑफ ए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, सीधे सीधे वैल्यू लगाना है, लेकिन वैल्यू लगाने से पहले याद रखना है कि एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो एफ ऑफ ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी वैल्यू जो होती है एक्स की 1.7 है, तो हम लोग लेंगे एफ ऑफ ए का वैल्यू 5.474, ठीक है। जब हमारे एक्स का वैल्यू सेम ही है, डेल एफ ऑफ ए जब इसको ऑपरेट किया तो इसकी पहली एंट्री, सबके पहली एंट्री को मार्क कर दीजिए, ठीक है, इस केस में। तो क्या हो जाएगा, f of a का वैल्यू 5.474 प्लस p का वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया 0.5 मल्टीप्लाई डेल को, जहां f of a को हमने ऑपरेट किया फॉरवर्ड ऑपरेटर के साथ में, तो हमारी वैल्यू आ रही थी 0.576। देन
पी दैट इज 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 माइनस 1, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, और वापस से इसको ऑपरेट कर रहे थे तो इसकी वैल्यू आ रही थी हमारे पास में 0.060 डिवाइड बाय 2, 2 फैक्टोरियल का मीनिंग 2 ही होता है क्योंकि, एंड नेक्स्ट टाइम जब मैं बात कर रहा हूं तो इसकी 0.5 इस टर्म में, ठीक है, एंड 0.5 माइनस 1 एंड 0.5 माइनस 2 एंड डेल क्यूब, डेल क्यूब का वैल्यू क्या था मेरे पास में 0.007, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ठीक है, ये 0.007 है, ठीक है, लास्ट में इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो अभी वैल्यूज क्या आएंगी मेरे पास, फर्स्ट वैल्यू को तो एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है, इसके साथ तो किसी का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इन वैल्यूज की बात करें, पहले इसकी बात करेंगे तो 0.5 अपना कैलकुलेटर थोड़ा रेडी रखेंगे, 0.76, ठीक है, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस के अंदर क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, और 0.5 मल्टीप्लाई माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 0.060 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी माइनस टाइम्स 0.0075, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करेंगे फाइनली कैलकुलेशंस को ध्यान से। अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं इसकी तो हमारे पास आएगा 0.5 मल्टीप्लाई माइनस 0.5 मल्टीप्लाई माइनस 1.5, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई 0.007 एंड डिवाइड बाय 6, तो ये वैल्यू मेरे पास में आएगी पॉजिटिव 0.004375, ठीक है। अब इन सबको हम लोग को क्या करना है, जो प्लस हो रहा है इसको प्लस करेंगे, तो पहले ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा आपके पास प्लस 0.288 प्लस 5.47474 माइनस, ये वाली एंट्री को माइनस करना है तो 0.0075, फाइनली आपका आंसर होगा 5.7549, 4 डिजिट तक हम लोग लिख ले रहे हैं इसको, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा किसका, e रेस टू पावर 1.75, ठीक है। इस तरह से हम लोग फॉरवर्ड न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन का वैल्यू फाइंड करने के लिए, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जो वैल्यू दी हुई है एक्स की वहां पे, ठीक है।